हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो मैंने आपको कंपैरिजन बताया था बिटवीन ब्रूस्टो की एंड जर्नल की वाइट चारकोल पेंसिल के बीच में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप इसको किस तरीके से पेपर पे यूज़ कर सकते हो वाइट चारकोल को, एंड जो भी मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगी आप बिल्कुल उसको फॉलो करके इस तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। एंड इस आई ड्रॉइंग को ड्रॉ करने में मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे थे। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ओके सर, जो भी मैं मटेरियल्स यूज़ करूँगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो देख सकते हो। ओके एंड सबसे पहली बात तो अगर आप बिगिनर हो और आप वाइट चारकोल ट्राई कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप उसे किसी टोन्ड पेपर पे ट्राई करो, किसी भी कलर पेपर पे ट्राई करो। सबसे बेस्ट है आप ग्रे पेपर पे ट्राई करो, इसमें काफ़ी अच्छे से ऑप्ट हो जाते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप ग्रे पेपर पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्रूस्टो का ग्रे टोन्ड पेपर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी बढ़िया पेपर है ये, इसमें चारकोल काफ़ी अच्छे से ऑप्ट हो जाता है। और अगर आप इसे वाइट पेपर पे यूज़ करना चाहते हो तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटमेंट रहेगी आपको, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ब्लैक चारकोल से वर्क किया है स्टार्टिंग में वाइट चारकोल यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो ग्रे टर्न आउट हो जाता है और वैसा रिजल्ट नहीं मिलते जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे ग्रे टोन्ड पेपर पे या किसी कलर पेपर पे ट्राई करो। जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि आपको सबसे पहले जो भी डार्क वैल्यूज़ दिख रही हैं आपको वो सबसे पहले ऑप्ट करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले सारी डार्क वैल्यूज़ जो भी मुझे दिख रही थी मैंने वो शेड कर लिया है एंड ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जो भी हाइलाइटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे भी आपको दिख रहा है वो लाइट एरिया है उसको एज इट इज़ छोड़ दो, वहाँ पे शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट कर लो। जो भी एरियाज़ हमने एज इट इज़ छोड़े हैं फॉर हाइलाइट्स वहाँ पे होगा वाइट चारकोल का यूज़। आई एम सो सॉरी, मेरे से फर्स्ट क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ वाइट चारकोल का। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से वाइट चारकोल यूज़ किया है यूजिंग थोड़ा सा प्रेशर। ओके एंड जो भी एरिया हमने छोड़े थे वहाँ पे आपको वाइट चारकोल यूज़ करना है, एंड मेक श्योर कि ब्लैक चारकोल के ऊपर आप उसे ना चलाओ, क्योंकि वो फिर ग्रे हो जाएगा, बहुत अजीब सा लगता है। आपने जो भी एरियाज छोड़े हैं फॉर हाइलाइट्स वहीं पे आपको वाइट चारकोल यूज़ करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे सबसे पहले डार्क वैल्यूज़ शेड की, देन वाइट चारकोल यूज़ किया, एंड देन उसके बीच का पार्ट सबसे पहले ब्लेंड किया ये वाला पार्ट, उसके बाद एक ड्राई ब्रश लेके ऑल ओवर चला दिया था। तो ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है। अब मैंने एक सेपरेट ब्रश रखा है फॉर वाइट चारकोल, सबसे पहले मैं वाइट चारकोल को ब्लेंड कर रही हूँ, एंड अगेन मेक श्योर कि आप ब्लैक चारकोल में उसे मिक्स ना करो। नाउ यूजिंग अ क्लीन ड्राई ब्रश मैं यहाँ पे ये जो बीच वाला एरिया है इसको मैं ब्लेंड करूँगी, एंड मेक श्योर आपका ब्रश एकदम क्लीन हो एंड आप उसको धीरे धीरे ब्लेंड करो। अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो वो बहुत ग्रे हो जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगता है, तो आपको बहुत धीरे धीरे जो बीच वाला पार्ट है वो ब्लेंड करने होते हैं। एंड जो ब्रशेज हैं वाइट चारकोल का अलग रखना है एंड ब्लैक चारकोल का अलग। एंड मैं यहाँ पे हाइलाइट्स के लिए कोई इरेजर यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं वाइट चारकोल ही यूज़ करूँगी फॉर हाइलाइट। जैसे हम जब ब्लैक चारकोल से वर्क करते हैं तो हम इरेजर का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे ग्रे पेपर पे वाइट चारकोल से वर्क करते वक्त हम वाइट चारकोल का ही यूज़ करेंगे फॉर हाइलाइट्स। अगर आपको और ज़्यादा ब्राइटर हाइलाइट्स चाहिए तो आप इस सकूरा का वाइट जेली रोल पेन यूज़ कर सकते हो फॉर मोर ब्राइटर हाइलाइट्स। एंड वाइल ड्रॉइंग द आई लैशेज मेक श्योर आपकी पेंसिल एकदम शार्प हो। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से वाइट चारकोल का यूज़ करना है एक कलर्ड पेपर पे।
आप ये ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो, एंड आपको कोई भी इशू आए यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.